जी ये वाला टेरेस भी मैंने धो दिया है और काफी हद तक डैंड्रफ भी खत्म हो गई है। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? आप सब ठीक ठाक होंगे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज ही काफ़ी दिनों के बाद मैं आ रही हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि जो है ना बस थोड़ा सा मैं बिजी थी, कुछ मैं कामों में भी बिज़ी थी और साथ में मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन थी, इस वजह से मैं व्लॉग भी नहीं शूट कर रही थी। दूसरा जो सोशल मीडिया पर जो आजकल हालात चल रहे हैं वो जो है ना बड़ी उससे अजीब सी टेंशन होती है, दिल नहीं करता कुछ भी करने का, अजीब अजीब सी वीडियो सामने आना और बच्चों की और सब कुछ ना, तो वो बड़ा मुश्किल लग रहा था। अल्लाह बस जल्दी सब कुछ ठीक कर दे, हमारी तो बस दुआ है, क्या कर सकते हैं और तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो बस ये है कि बच्चे जो है वो स्कूल चले गए हुए हैं और मैं जो है वो अब अपना काम स्टार्ट करने लगी थी, तो मैंने कहा चले आज जो है वो शूट करते हैं। थोड़ी सी तबीयत भी डाउन थी तो इस वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बना सक रही थी, तो लेकिन आज मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो चले जी अब हम ये काम शाम करते हैं, कमरा शमरा ठीक करते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है जी। चलें जी, बेडशीट वगैरह हो गई है सही और इंशाल्लाह कल सोच रही हूँ कल चेंज कर दूँगी, आज नहीं करती। पहले सोचा आज ही कर दूँ बेडशीट चेंज, लेकिन महंगा नहीं कल कर लूँगी, कल फ्राइडे ना। तो फिर तो अब ये कपड़े छपड़े हैं बच्चों के, ही उठा के रखते हैं धोने वाले कपड़ों में। तो इसके बाद जी मैं आ गई थी बाहर प्लांट्स को पानी देने के लिए, और ये जो है ना सुबह सुबह मैं पानी देती हूँ तो बड़ी अच्छी मुझे फीलिंग आती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो बस जो है ना माशाल्लाह मेरे पौधे बड़े अच्छे हो गए हैं और मुझे ये जगह भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर ना मैं इनको पानी दे रही थी, क्योंकि अब वैसे ही थोड़ी सर्दी आ गई हुई है तो रोज़ तो इनको पानी नहीं देना होता, लेकिन एक दिन छोड़ के या कभी दो दिन छोड़ के तो फिर मैं इनको जो है वो पानी दे देती हूँ। वैसे तो अब थोड़ी थोड़ी गर्मी तो थोड़ी सी दोबारा हो गई है, लेकिन ये है कि ठंड भी नहीं आ रही है और गर्मी भी नहीं जा रही है, अजीब थोड़ा मिडल मौसम है। तो खैर ये भी अच्छी चीज़ है, मुझे तो अच्छा लगता है ये मौसम भी, और जो है ना बहुत ज़्यादा सर्दी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने पौधों को भी पानी दे दिया है और माशाल्लाह से ही ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं, कुछ पत्ते जो है वो बीच में येलो येलो भी हो रहे हैं मनी प्लांट के। अब मुझे नहीं पता कि क्या वजह है, शायद सर्दी की वजह से ही मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से पत्ते जो है वो थोड़े थोड़े पीले हो रहे हैं। तो खैर इसके बाद जो है ना मैंने ये टेरिस भी वॉश कर दिया था, ये मैं साथ ही जो है वो अक्सर कर देती हूँ, अभी मेड नहीं आई होती है ना तो मैं ये पहले ही वॉश कर देती हूँ, क्योंकि पानी गिर जाता है तो फिर मैं कहती हूँ अब मैं क्या छोड़ूँ, तो चलो इसको साथ ही वाइपर लगा देती हूँ, ये भी साफ़ हो जाएगा। तो चले जी उधर तो मैंने पौधों को पानी दे दिया था, अब ये वाले रह गए हैं ये सामने वाले, अब ये जो है ना पत्ते भी झड़ रहे हैं इसके। तो खैर अब जो है ना हम इनको देते हैं पानी। तो चले जी ये वाला टेरेस भी मैंने धो दिया है और अब चलते हैं अंदर, गंद उठाते हैं यहाँ से फिर अंदर चलते हैं। तो चले जी अब करते हैं नाश्ता। नाश्ता बन गया है मेरा पराठा और साथ में है जी हलवा, हलवा खाऊंगी मैं और पराठा। चलिए जी नाश्ता मैं खरीद लिया था और अब जो है ना मैं जा रही हूँ वॉशिंग मशीन लगाने के लिए। हाँ जी, तो अब मैं वॉशिंग मशीन लगाने के लिए जा रही हूँ, ये दिल के कुछ कपड़े थे मैंने कहा लगा दूँ ज़रा मशीन में। अच्छा मेरे ना आज कल बहुत ज़्यादा सर में डैंड्रफ हुई हुई है, बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब मैंने ऑयल भी किया था लेकिन फिर भी उसके बाद भी ना इतनी ज़्यादा डैंड्रफ हुई हुई है। तो मैंने ना ये मॉर्निंग शो में देखा था कि वो ना वैसलीन लगा रही, लगा के ना आप करें तो बड़े अच्छे बाल हो, सारी डैंड्रफ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी और बड़े अच्छे बाल हो जाएंगे। तो मैं बालों पर तो नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि ना वैसलीन लगाती हूँ, सिर्फ रूट्स पर लगाती हूँ और ट्राई करती हूँ कि जो है ना निकलेगी सारी डैंड्रफ या नहीं निकलेगी। ठीक है, मैं मतलब अच्छी खासी मेरी ना डैंड्रफ हुई हुई है और ऑयलिंग से भी मेरी अभी नहीं गई है,
तो मैं अब सोच रही थी ऑयलिंग करूँ, फिर मैंने कहा चलो वेज़लीन आज ट्राई करते हैं और वेज़लीन लगा के ना देखते हैं कि सारी डैंड्रफ गायब होती है या नहीं होती है। सही है। तो यहाँ पे जी मैंने सबसे पहले ले ली थी ये वेज़लीन, ये नॉर्मल वेज़लीन है जो हम सबके पास अवेलेबल होती है, इसी तरह मेरे पास भी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसको डायरेक्ट ही यूज़ कर लेती हूँ। वैसे तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं बीच में कोई भी, या आप ऑयल मिक्स कर लें या कोई विटामिन ई कैप्सूल मिक्स कर लें ज़रा अच्छा रिज़ल्ट के लिए, और एलोवेरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो फ़िलहाल डायरेक्ट यूज़ करी थी ताकि मुझे इसका रिज़ल्ट सही से मिले, पता चले कि जो है ना इसको डायरेक्ट यूज़ करने से क्या रिज़ल्ट मिलता है, और किसी चीज़ के साथ अगर मिक्स करें तो वो भी इंशाल्लाह कभी करेंगे बीच में ऑयल वगैरह या कोई इसी तरह एलोवेरा मिक्स करके, तो फिर इसका पेस्ट बना के भी मैं कभी लगाऊंगी। और वैसे भी काफ़ी रेमेडीज़ होती हैं डैंड्रफ के लिए, लेकिन मैंने कहा चलो ज़रा आज जो है ना हम ये ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। और जो है ना बस अचानक ही मुझे बैठे बैठे ख्याल आया, मैंने कहा चलो आज जो है ना हम ये ट्राई करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही थी। तो आप लोगों में से अगर कभी किसी ने ये हैक ट्राई किया है, मतलब ये चीज़ यूज़ की है वेज़लीन डैंड्रफ के लिए, और आपको क्या रिज़ल्ट मिले हैं तो मुझे ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए जी मैंने जो है वो वेज़लीन लगा ली है, तो देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आएगा। और सिर्फ मैंने रूट्स में लगाई है, बाकी उसमें मैंने जो है वो ऑयल लगा लिया है, जो मतलब मैं ऑयल यूज़ कर रही थी वो मैंने कोई भी ऑयल जो आप ले लें अगर वो लगा लें। तो बाकी मैंने लेंथ में सारा ऑयल लगाया है, सिर्फ मैंने रूट्स में लगाई है वेज़लीन। और अब बनाते हैं खाना, खाना बना लें फिर उसके बाद जो है हम शावर लेंगे और फिर देखते हैं रिज़ल्ट आता है या नहीं आता है, कैसा रिज़ल्ट आता है। सही है जी, तो चलिए अब खाना बनाते हैं। तो आज जो है वो मैं बना रही हूँ स्पैगेटीज़, बच्चों की फरमाइश पे। बच्चों ने कहा जी वो अंबर ने बनाई थी, तो फिर उसने कहा कि बच्चों ने कहा कि मैंने भी खानी है, तो मैंने कहा चलो आज हम स्पैगेटीज़ बना लेते हैं। तो कीमा बचा हुआ था पहले का, कीमा बनाया था अगले दिन, कीमा आलू, तो वो कीमा जो है वो लेफ्ट ओवर कीमा था, उसके अंदर ही जो है ना मैं स्पैगेटीज़ वगैरह और ज़रा सब्जियाँ सब्जियाँ डाल के तो वो हम स्पैगेटीज़ बना लेते हैं। तो चलिए अब स्पैगेटीज़ बनाते हैं। तो यहाँ पे जी मेरे पास ये लेफ़्ट ओवर कीमा बचा हुआ था, ये मतलब हमने एक दिन पहले सालन बनाया था कीमा आलू का, तो ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर था और इसके मैंने सोचा कि चलो स्पैगेटीज़ बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे स्पैगेटीज़ भी मैं बॉईल होने के लिए रख दी थी, और साथ में जो है ना ये वेजिटेबल भी मैंने कट कर ली थी, और मैं सिर्फ जो है वो ले रही हूँ कैरेट और कैप्सिकम। वेजिटेबल्स मैंने इतनी ज़्यादा नहीं ली क्योंकि एज़ यूजुअल मेरे बच्चे जो है वो पसंद नहीं करते इतनी ज़्यादा सब्जियां, तो बस मैंने थोड़ी थोड़ी सी ली थी। और बस मैंने ये पैन लिया और इसके अंदर जो है वो ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया क्योंकि ऑलरेडी सालन में भी ऑयल होता है, इस वजह से थोड़ा सा हिसाब से ही मैंने ऑयल डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं वरना फिर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता। तो ऐसे जो है ना आप कौन कौन करता है आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लेफ़्ट ओवर अगर कोई चीज़ होती है तो उसके अंदर या तो हम चावल डाल लेते हैं, तो या तो हम स्पैगेटीज़ या साथ में कभी चावल बॉईल कर लिए तो वो जो है ना फिर वो चीज़ खाई जाती है, ऐसी ज़ाया नहीं जाती है। तो बस यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा गर्म हुआ था कीमा, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया सिरका, विनेगर डाल दिया था, ये सब कुछ अंदाजे से ही डाला मैंने। उसके बाद मैंने डाल दी सोया सॉस और इसको बस हम अच्छी तरह थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा मतलब कीमे को हम दोबारा से भून लेंगे क्योंकि के जो है वो कीमा फ्रिज में होता है तो अगर कोई स्मेल वगैरह हो तो वो भी निकल जाए। तो जब कीमा जो है वो थोड़ा सा मतलब भुन भी गया था तो इसके अंदर मैंने जो है वो डाल दी थी पेपरिका पाउडर, क्योंकि मिर्चें मैंने नहीं डाली ज़्यादा क्योंकि ऑलरेडी सालन में मिर्चें ढली हुई थी लाल, इस वजह से मैंने कोई भी मिर्च नहीं डाली, बस सिर्फ काली मिर्चें डाल दी थी और जो है ना पेपरिका पाउडर डाल दिया था। बस इसको मैंने थोड़ी देर जो है वो किया सौते किया, इसके बाद मैंने डाल दिया अंदर ये वेजिटेबल्स डाल दी, ये जो मैंने कट करके रखी हुई थी कैरेट और कैप्सिकम, और इसको बस मैंने जो है वो थोड़ा सा ही सौते किया था एक दो मिनट के लिए। फिर इसके अंदर मैंने साथ ही डाल दिया जो है ना नमक, नमक जो है वो अंदाजे से ही डाला था और ये भी मुझे डर था कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए तो मैंने थोड़ा कम ही डाला था क्योंकि ऑलरेडी सालन में भी था। तो बस इसके बाद मैंने जो है वो केचप डाल दी और साथ में जो है ना मैंने इसके अंदर डाल दी मेयोनीज़ और इसको जो है ना मिक्स कर दिया। मेयोनीज़ मैं ज़रा आगे चल के ढालूंगी और इसको जो है मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से। मेयोनीज़ जो है ऑप्शन है ढालें, अगर किसी को पसंद है तो ढालें, अगर नहीं पसंद तो आप मत ढालें, वैसे जो है ना मैं ढालती हूँ क्योंकि हमें जो है वो अच्छी लगती है, ज़रा टेस्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो खैर इसके अंदर जो है ना अब मैंने ये बॉयल्ड हुई हुई स्पैगेटीज़ ये डाल दी थी और बस हम इसको मिक्स करेंगे। और स्पैगेटीज़ को मिक्स करना बहुत बड़ा जो है वो मुश्किल काम होता है ये अच्छे से मिक्स करना भी ना कि टूटे भी ना और जो है ना अच्छे से मिक्स भी हो जाए, कहीं पे ज़्यादा मसाला ना हो, तो ये भी एक जो है ना बड़ा मुझे अजीब सा काम और बड़ा मुश्किल सा काम लगता है। तो खैर यहाँ पे जो है हमारी स्पैगेटीज़ भी मैंने अच्छे से मिक्स कर ली थी और इसको हम जो है वो बस 5 मिनट के लिए दम दे देंगे और स्पैगेटीज़ रेडी हो जाएंगी। चलिए जी शावर मैंने ले लिया है और जो है ना
अब मेरे बाल ड्राई होंगे तो फिर पता चलेगा कि मेरी वैसलीन सर से उतर गई है या नहीं। वैसे तो मैंने 2 दफ़ा शैम्पू किए हैं बाल अपने और लग तो रहा है कि उतर गई है और काफ़ी हद तक डैंड्रफ भी ख़त्म हो गई है। अब ड्राई होते हैं ना बाल, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा रिजल्ट आया वैसलीन का। सही है जी। ये देखे बीबी आ गया स्कूल से, मेरा चूना काका स्कूल से आ गया। और आते साथ ही ये अपना जो लंच है ना वो खा रहा है। मम्मा ने आपके लिए स्पेगेटीज बनाई है। मम्मा ने स्पेगेटीज बनाई है, वो नहीं खानी स्पेगेटीज? यू खानी है। अब तो मैंने स्पेगेटीज बना दी। यू कोई बात नहीं, वो नूडल्स खा लेते हैं ना। तो चले जी, मेरे बाल भी सूख गए हैं ये देखें। और जो है ना वैसलीन नहीं है बिल्कुल भी मेरे सर पे। मैंने 2 दफ़ा शैम्पू किया था और अच्छी तरह मैंने इसको जो है ना मल मल कर और गर्म पानी से, ज़रा थोड़े से तेज़ गर्म पानी से मैंने सर धोया था, तो वो बड़ा जो है वो फिर ईजीली उतर गई है। और डैंड्रफ भी नहीं है, मुझे तो नज़र नहीं आ रही। ये देखिए डैंड्रफ नहीं है। नाइस। मेरी तो डैंड्रफ नहीं है अभी और पीछे भी नहीं है, यानी कि ये जो है वो काम कर गई है वैसलीन। ये वैसलीन जो है वो काम कर गई है, क्योंकि मेरे ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे डैंड्रफ के बन गए थे। जैसे ही अभी सर्दियाँ स्टार्ट नहीं हुई है ना, और इतनी ज़्यादा डैंड्रफ आना शुरू हो गई मेरे यहाँ पे और मतलब खारिश होती थी वो गिर भी रही है नीचे। मैंने कहा अभी तो सर्दियाँ पीछे पड़ी हुई हैं और अभी पहले ही मुझे इतनी ज़्यादा डैंड्रफ हो गई है, तो मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं, ये हैक भी देखते हैं कि क्या करता है, काम करता है या नहीं। तो खैर उसने काम तो कर दिखाया है और मेरी डैंड्रफ हो गई है गायब बिल्कुल सही तरह। तो हो सकता है 1-2 दफ़ा यूज़ करने के बाद जो है वो शायद बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ये भी हो सकता है। तो खैर ये भी देखेंगे कि कल आती है परसों आती है मेरी डैंड्रफ वापस या नहीं, अभी तो गायब हो गई है। ये चल अभी यशवान भी आ गया था स्कूल से और इन दोनों को मैंने शावर दिया, फिर इन्होंने खाना खाया। मसले मसाइल हो रहे थे, अभी रोने पिटने पड़े हुए थे थोड़ी देर पहले, तो खैर खाना सारा खा के अब बैठा। क्या हुआ, क्यों खेलो मेरा बेटा? दूध दिया है मैंने, अभी वो रो रहा था कि मुझे दूध दिया तो अब मम्मा भी आए। बस मसले चल रहे हैं। आज पैकेटीज भी अच्छी बन गई थी, मज़े की बन गई, थोड़ा सा नमक कम था तो फिर मैंने जान के थोड़ा सा कम ही ढाला था। मैंने कहा कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, कम हो जाए तो कोई बात नहीं ऊपर से ढल जाता, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए ना फिर नहीं ढल सकता फिर कम निकलेगा कैसे, ढल कह रही अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो निकलेगा कैसे। तो बस जी चलिए जी, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। ओह आ गया, क्या हुआ? हाँ जी मुझे बोल दो। ओके आ रही, मैं मम्मा अपना मोल दिखाऊँ ना अकेले। हाँ हाँ अपना ये मम्मा का मोल है जो जैवी लेता है ऐसे अरे ऐसे ऐसे करता रहता है। आ रही हूँ, अच्छा आ रही हूँ, आ रही। चुप करो, चुप चुप करो, अच्छा अच्छा आ रही। चलो जी, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।